आईने में जाके शक्ल देख अपनी, वो कहा और तू कहा, प्यार इम्पॉसिबल यार, एक भी कम ढंग से तो होता नहीं मुझसे, कौन देगा मुझ जैसे गए गुजरे को नौकरी यार, मुझसे नहीं होगा ये सब एक्सरसाइज वगैरह, मैं सुबह उठने के लिए बनी ही नहीं हूँ। अगर सुबह उठने के बाद आईने में अपनी शक्ल देख के मन में सबसे पहले ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली पूरे दिन भर एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। द वे यू थिंक द वे यू एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको शक्ल से ही चोर लगता है, उस बंदे से आप कैसे बात करते हो? और जो बंदा दिखने में बिल्कुल इनोसेंट ऑनेस्ट महात्मा टाइप का लगता है, उनसे आप कैसे बात करते हो? जरूरी नहीं जिनको आप शक्ल से चोर समझ रहे हो वो असल में चोर ही है, या जिनको आप महात्मा सोच रहे हो वो वैसा ही है। खेल उल्टा भी पड़ सकता है, ये हम अंदर तक भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे थॉट्स आ रहे होते हैं हम वैसे ही एक्ट करते रहते हैं। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे, कोई भी चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, जैसे समझ लो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, या अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लगाना, या सिक्स पैक बनाना, इन सब के पीछे रूट कॉज है आपका एक थॉट, यार मैं इस काबिल नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ। लुई से कहते हैं यही एक थॉट अगर आप बदल दो तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी की किसी भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हो। यही टेक्निक मैं आज आपके साथ लुईस है की बुक यू कैन हील योर लाइफ से शेयर करने वाला हूँ। लॉस एंजेलिस में रहने वाली लुईस के मदर ने लुईस के पैदा होने के कुछ ही साल बाद उनके फादर से डिवोर्स ले लिया और एक नई शादी भी कर ली, जो शायद उनकी लाइफ में सबसे बदतर डिसीशंस में से एक थी। अपने स्टेप फादर के पास रहते वक्त सिर्फ 5 साल की उम्र में लुईस को अपनी एक पड़ोसी के हाथ बलात्कार का शिकार होना पड़ा, और 15 साल की उम्र तक उन्हें अपने स्टेप फादर के हाथ सेक्सुअली अब्यूज भी होना पड़ा। इन सबसे तंग आके उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और फिर एक जगह पे रह के वेट्रेस का काम करने लगी। वहाँ पे 1 साल बाद उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया। तब उनके पास इतना रिसोर्स भी नहीं था कि वो उस बच्चे की देखभाल कर सके, तो उन्होंने उस बच्चे को एक कपल जो लोग तब एक बच्चा गोद लेने की सोच रहे थे उनके हाथ सौंप दिया। और इसके बाद लुईस शिकागो के लिए निकल पड़े। अपने बच्चे से वो फिर कभी दोबारा नहीं मिले। इसके कुछ दिन बाद शिकागो से न्यूयॉर्क आके उन्होंने मॉडलिंग शुरू किया। वहाँ उनकी मुलाकात एक हाई प्रोफाइल इंग्लिश मैन से हुआ जिन्हें वो बहुत पसंद आए और उन्होंने उनसे शादी भी कर लिया। इसके 14 साल बाद लुईस का उस इंग्लिश मैन से फिर डिवोर्स हो गया। जिंदगी से तंग आके फिर उन्होंने चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना कि आप सिर्फ अपने थॉट्स को बदल के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। और आज लुईस है इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर, लेक्चरर एंड स्पीकर है, और आज भी वो मानते हैं उस एक वर्ड ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। तो जिन टेक्निक्स को यूज़ करके लुईस अपनी खुद की ज़िंदगी को हील कर पाए, वही टेक्निक उन्होंने इस बुक में हम सब के साथ शेयर किया है। उसी में से कुछ की आइडियाज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्मार्ट आइडिया 1, बी रेडी टू चेंज योर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। मैं तो बहुत आलसी हूँ, सुबह उठना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जो हम मानते हैं वही आज नहीं तो कल हम बन जाते हैं, इसीलिए कोई भी बिलीफ को पकड़ने से पहले हमें बहुत अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए क्या वो सच है या फिर झूठ है। अगर आप सच में आलसी होते तो क्या गर्मी के दिनों में भी उतनी धूप में 3-4 घंटे तक क्रिकेट खेलते? और अगर सुबह उठना आपके लिए सच में इम्पॉसिबल होता तो क्या एग्जाम्स के दिन हर रोज़ आप सुबह जल्दी उठ पाते? बचपन में हमें कोई भी अनजान आदमी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हर रोज़ हमें कोई ना कोई अनजान आदमी पर भरोसा करना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ बिलीफ शायद पास्ट में बिल्कुल सही थे लेकिन अब वो बिल्कुल ही गलत है। अपने पुराने और गलत बिलीफ्स को छोड़ देना सीखना खुद अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी स्किल है। अपने बिलीफ्स को बदल के उन्हें रीशेपिंग करना एक मेंटल हाउस क्लीनिंग के जैसा है। हमें नई चीज़ों को फिट करने के लिए पुराने चीज़ों को हटाना पड़ता है। हर रोज़ कम से कम एक बार हर एक मेंटल रूम में जाके देखना चाहिए कौन कौन सी चीज़ रखना है या पॉलिश करना है, या कौन कौन सी चीज़ों को उठा के बाहर फेंकना है। ये बिलीफ बहुत गंदा है, फेंक इसको। और इन सब की शुरुआत होगी सिर्फ एक छोटी सी डिज़ायर से, हाँ मैं बदलना चाहता हूँ। स्मार्ट आइडिया 2, फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। बहुत लोग अपने पास्ट को खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अलाउ करते हैं। पिछली बार मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था, इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि पास्ट में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। जैसे लुईस भी अपनी हॉरिबल चाइल्डहुड के लिए अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पा रहे थे, तो तब उन्होंने जाके अपने पेरेंट्स के चाइल्डहुड के बारे में पता लगाया। इससे उन्हें सब समझ आ गया कि क्यों उनके पेरेंट्स ऐसे थे, और उसके बाद आसानी से वो उनको माफ कर पाए। ऐसे ही अगर किसी अपनों की बात से आपको बुरा लगे तो बिना उनसे उस बात के लिए लड़े, अगर आप उनसे थोड़ा शांति से बैठ के बात करोगे, उनसे पूछोगे आज पूरे दिन उनके साथ क्या क्या हुआ, तो आपको शायद पता लग जाएगा किसी दूसरे वजह से शायद वो अपसेट थे और गलती से वो गुस्सा उन्होंने आप पे आके निकाल दिया। इसे बहुत आसानी से आप उनको माफ कर पाओगे। कोई भी पास्ट इंसिडेंट जिसे आप मेंटली बहुत तकलीफ में हो, उसकी हार्मलेस फिजिकल रिलीज भी कुछ मामले में हेल्पफुल हो सकता है।
जैसे सारे दरवाजे और खिड़की बंद करके जोर जोर से चीख लेना या अपनी तकियों को खूब पीटना। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसी पर्पज से अपने घर में एक अलग से रूम बनाते हैं। स्मार्ट आइडिया 3, बिल्ड ऑन द पॉजिटिव डेली। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना कुछ बीज बोने के जैसा है। आपको लगातार इसका देखभाल करना पड़ता है ताकि ये कीड़ों मकोड़ों से बच पाए। हमारा ध्यान जिस भी चीज में होता है वो चीज और ग्रो करने लगती है, इसीलिए हमें अपना ध्यान हमेशा पॉजिटिव चीजों में रखना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, इसके बदले अभी हम क्या कर रहे हैं या अभी हमारे पास क्या क्या है, उन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, इसे बदल के मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ये थॉट अपने मन में बार बार लाना है। जो कुछ भी करना है वो सब प्रेजेंट टेंस में अपने आप से कहना होगा। मुझे खुश रहना चाहिए, इसके बदले मैं बहुत खुश हूँ, ये कहना होगा। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करोगे, बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आके आपको पकड़ेंगे, उनको सिंपली सिर्फ एक चीज कहना है, थैंक्स बट नाउ गेट आउट। आपको अपने अंदर एक बिलीफ क्रिएट करना होगा कि हाँ, एक अच्छी सी जिंदगी मैं डिजर्व करता हूँ, तभी आपके लिए चांसेस है एक अच्छी सी जिंदगी पाने की। वैसे अगर देखा जाए तो इंसान को तीन हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। डेली बेसिस पे बॉडी को हील करने के लिए लुइस प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, माइंड के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, और सोल के लिए मेडिटेशन, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव सजेस्ट करते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आपने थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, फिर आपने बहुत हेल्दी एक ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को रिव्यू किया और खुद को बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स दिए। फिर आप घर से ऑफिस के लिए निकले और आपको रास्ते में एक भूखा बच्चा दिखा, उसे आप पास में एक दुकान में ले जाके बस कुछ बिस्किट्स और केक खरीद के दिए। उसके बाद ऑफिस में एक स्टाफ की कुछ गलतियां आपने दिल से माफ कर दिया और रात को लौट के सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उन सब की इफेक्ट डायरेक्ट हमारी बॉडी पे आती है। अभी अगर आप कुछ एक्साइटिंग सोचने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। क्रिटिसिज्म, गिल्ट, फियर, इन जैसे थॉट्स हमारी इलनेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और इन सारे थॉट्स को रिलीज कर देना, फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें हमारी वेलनेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। लुइस खुद सिर्फ अपनी मेंटल पावर्स को यूज करके कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में भी कामयाब हुई है, इसीलिए वो मानते हैं यू कैन हील योर लाइफ। अपनी जिंदगी को बदलना, उसे एक सही मोड़ देना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हर रोज एफर्ट की जरूरत है। इसे आप एक बच्चे की चलना सीखने के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जहां पे हर रोज गिरने के बाद भी फिर से उठ के अपनी गलतियों को सुधार लेने की कोशिश खुशी खुशी चलती रहती है। आखिर में, अगर आपको इस वीडियो से अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है, यही मेरी असली मकसद है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता शायद उन्हें भी इससे सलूशन ढूंढने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अगला वीडियो अगले हफ्ते। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।